आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि खैरियत से हो। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो पाकिस्तानी, उसके साथ आप अकाउंट खुलवाते हैं और उसको यूज़ करने का तरीका कैसे होगा। कि आरिफ हबीब लिमिटेड में आपने अपना अकाउंट खुलवाते तो अभी मेरे पास आरिफ हबीब वालों का एक ट्रेडिंग का अकाउंट मेरा खुला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे उसमें परचेज़ करना है और बाय करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी चीज़ मिस नहीं गई है, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ आप मिस कर लेते हैं तो उससे कुछ चीज़ें आ रही थी कि उससे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो काइंडली वीडियोज़ पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को एक चीज़ समझ आती है और आप आसानी से आरिफ हबीब लिमिटेड के जो ऐप है, ट्रेडिंग है ऐप है, इसको यूज़ कर सके और आसानी से इसमें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग और या स्टॉक बाय एंड सेलिंग कर सकें। तो सिंपली आपने एक ऐप होगा प्ले स्टोर में, वहाँ आपने प्ले स्टोर में जाना है और जाने के बाद AHL आरिफ हबीब लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले AHL टिक वाली आपने ये इंस्टॉल कर लेना, ये है तो ऑल वर्जन लेकिन ये आपके लिए सही है। इसके अलावा एक अपना नया भी आया है ये वाला, कि आप ये भी कर सकते, ये भी काम वही करता है, बस ये कि इसमें थोड़े एडवांस फीचर्स आए हुए कि आप इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यही वाला इस्तेमाल करें, फाइनेंस वाला, ये सबसे बेहतरीन और अच्छा है। मैंने इस पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया होगा आई अभी वालों ने, वो सिंपली यहाँ आपने डाल देना। तो अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो 60,000 का है टोटल ओवर मेरी नेटवर्क, ठीक है। सो बहरहाल अभी मैं इसमें आपको ये दिखाऊंगा कि हमने कैसे किसी भी चीज़ स्टॉक को बाय करना है या और सेल करना है और ये क्या फंक्शन होते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस तमाम चीज़ें मैं काट देता हूँ ताकि इसमें कुछ भी, सबसे पहले आपको बिल्कुल जब आप खोलेंगे ऐसे ब्लैंक पेज मिलेगा। अब मिसाल के तौर में आपने मैदान बैंक या कुछ भी बैंक में आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे या ट्रेडिंग करना चाह रहे तो सिंपली ऊपर एड करके उसको, अब किसी भी बैंक का ना शॉर्ट फॉर्म होता है उसका, वो आप ना इंटरनेट में गूगल में लिखिए कि यार मैदान बैंक है तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, तो मुझको फिलहाल बताया कि MEZN आप लिखिए, एक मिनट, ME मैदान बैंक ना, ME मैदान MAD, आई थिंक मैं भी भूल गया हूँ इसका, एम मैदान बैंक देखते ही वाला था, हाँ यही है, MEBL MEBL आपने लिखा। और अच्छा मैंने एक और चीज़ बताना भूल गया, MEBL का MEBL आपने लिखा ना, अब यहाँ ना बहुत सी चीज़ें आ जाती है, इस कंफ्यूज लोग हो जाते हैं यार, इसमें शायद 4,000 वर्ड है, मतलब कि ना ये कौन सा वाला क्लिक है। तो इसमें जो तीन होते हैं ना EMBL अगस्त फ्यूचर फ्यूचर FUT का मतलब फ्यूचर होता है, ये तीनों को आप छुए नहीं। असल जो हमारा काम होता है वो होता है ODL और रेगुलर मार्केट में, और ODL उस सूरत में इस्तेमाल होता है कि जब आपने स्टॉक की तादाद आपने बहुत एक दो लेने स्टॉक आपने सिर्फ दे चेक करने के लिए ये 10-15 लेने हैं, तो उस सूरत में आपने ODL में लेना होता है, वरना आप वरना जो हम ना असल स्टॉक मार्केट में सबसे चीज़ ये पहले ही होती है ना कि आपने इसमें ना आप वो कर सकते हैं तादाद सेट कर सकते 500, 1,000, 1,500 ऐसे, मतलब एक ये कहूँगा एक सेट के हिसाब से आप इसको परचेस करते, इसका ये नहीं तो दो हिसाब से, तो ये सेट बना के आपको परचेस करना होगा, तो वो 500, 1,000, 1,500, 2,000, 10,000, 20,000, 5,000 ऐसे तरह के सेट आपको बनाने होते हैं। सो और सेट बना कर इस लोग परचेस करते, तो आपने सिंपली इसको रेगुलर में मैंने सेलेक्ट किया था, रेगुलर आ गया था, ठीक है। अब आरिफ हबीब का साइट खुल गई, अब ये आ गया मेरे पास, अब सॉरी मैदान बैंक, अब यहाँ हम उसको जो बता रहे हैं इसकी जो अभी शेयर प्राइस पर चल रहा है वो 11.6 मतलब 111 रुपये चल रहा है, और इसने पॉजिटिव साइन दिया हुआ है और मार्केट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी चल रही है, और इसके अलावा
अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन है मार्केट की भी। और अच्छा, ये गेन वाला जो सबसे ऊपर है रेगुलर के बराबर में, वो है आपको करंट प्राइस बता रही कि इस स्टॉक की प्राइस क्या है। अच्छा, इसमें अलावा एक ब्लू और एक पर्पल है। ब्लू का मतलब ये है कि आज ने इस कंपनी में ये जो सबसे ज़्यादा सेल में कितने का लगा हुआ था और कितने का लगा है, मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं इसको आपको एक और स्टॉक में सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने। इसमें तो बता ही नहीं गया ले लेते। हाँ, इसमें ही बताएगा शायद, इसमें भी नहीं बताया। अच्छा, ये जो नहीं बताया ना, इसका ये घबराने की बात नहीं है, मतलब ऐसी होता है कि इसमें हमारे ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं की गई है। तो दो में आपको एक कोई और स्टॉक ले लेते हैं, UBL देखता हूँ। रेगुलर सेलेक्ट किया, UBL मैं भी नहीं बता रहा। ओके, चले बहरहाल इसको ना इतना सारा समझने की ज़रूरत नहीं। अभी हमें ये समझना है कि कोई भी स्टॉक हम बाय कैसे करें, तो उसकी जो करंट प्राइस होती है वो ये चल रही है। और एक रेंडम में बता देता हूँ, ये मतलब जो 11.5759 है, 11.59 है, ये दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा लो, और मतलब कि बायन ने कितने का ऑफर। मैं ये मसाले तो आप एक दुकान जाते हो और दुकान जाकर आप कुछ भी मतलब परचेस करते हो, यार वो बोलते यार इसकी कीमत तो 20 रुपये, और आप बोल रहे नहीं यार ये मुझको ना 15 रुपये में चाहिए, तो उसको सामने वाला बोल रहा होता है वो 20 रुपये बोल रहा होता है, तो वो चीज़ यहाँ सो होता है कि यहाँ ये बंदे सामने वाला इसके 20 रुपये का दे रहे हैं और इसमें जो आप ऑफ़र करते हो वो 15 रुपये ऑफ़र करते हो, तो वो आपको 15 रुपये बता रहा होता है। तो ये दोनों इससे दे रहे हैं, यही चीज़ आपको समझाते हैं कि सामने वाला क्या आप मांग रहे हैं, कितने का बेचना चाह रहे हो और आप कितना का ख़रीदना चाह रहे हो। तो इसमें कैसे कम ज़्यादा, जैसे हम दुकानदार में अप एंड डाउन होता है, हम उससे कम ज़्यादा होता है और कम करवाते या ज़्यादा करवाते वो एडजस्ट होते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यही काफ़ी आसानी है, तो इसलिए लिए इस चीज़ से घबराइएगा नहीं। तो ये आप कम ज़्यादा अपने अमाउंट को करवाते जाने, या ये पैसा मुझको इतने में नहीं इतने में चाहिए, तो वो बोलते नहीं या ये इतने में नहीं मैं इतने में भेजूँगा, तो फिर जो फीस डिसाइड होती है फिर उस हिसाब से आप लोग ट्रेड किया जाता है, मतलब लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ होती है। तो बहरहाल अभी हमने खरीदने का तरीका तो मैंने आपको समझा दिया, इसके अलावा उसके नीचे एक एल और एच बनाओ, एल एच बनाओ, एल जो बनाओ, एल का मतलब ये है L109 के 109 रुपये का ये सबसे कम में ट्रेड हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने 109 रुपये में इसको लिया है। और एच जो बनाओ 112 रुपये का, उसका ये बनाओ कि सबसे ज़्यादा जो लोगों ने खरीदा है वो 112 में ख़रीदा हुआ है। और इसके अलावा एलविस फोलियम, इसके ऊपर हम ये है कि लेटिस फोलियम ये भी हाई है और बाकी इतना कोई खास नहीं है। तो सिंपली हमने इसको आगे के इसका अच्छा ये आगे मैंने कैसे खोला, ये मैंने जो एओ बना हुआ है सीधे हाथ की तरफ, तो यानी सिंपल इसमें क्लिक करना है तो आपके पास ये खुल जाएगा। अब यहाँ जो लिया रहेगा वो ये आएगा, या इसकी कीमत है, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ बाय। अगर बाय सेल सो सेल, बाय का मतलब कि आपने इसको बाय करते हो, सेल का मतलब कि आपने सेल करने अपने स्टॉक को सो सेल, कि आपने मतलब इसकी ये थोड़ा हाई क्लास एडवांस फीचर इसको हम बाद में देखेंगे। तो सिंपली आपने बाय करना होगा, बाय को सिंपली आपने क्लिक करना है, फिर इसके बाद अच्छा लिमिटेड स्टॉप लॉस मार्केट एंड FOKMIT। तो सो पहले जो चीज़ होती है रियल, तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट लग रहती है वो है लिमिट, स्टॉप लॉस और मार्केट। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप एक एडजस्ट अमाउंट डिसाइड कर लेते हो, इसी अमाउंट में मुझको स्टॉक चाहिए, इससे कम या ज़्यादा मैं नहीं खरीदूँगा। इसके अलावा स्टॉप लॉस उस समय में स्टार्ट होता है, वो सेलिंग जब आप बाय करते हो, मतलब सेल करते हो ना, उस समय में आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ मैं आगे वाली आने वाली वीडियोस में कवर कर दूँगा। इसके अलावा मार्केट का ये कि आप मार्केट की जो भी कंडीशन है, मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी अभी कि 111 रुपये का मसाले तो हमें सामने वाला बोला जाए मैं 111 का दूँगा, तो आप उसको ऑफ़र दे तो यार नहीं मैं 111 का तो नहीं मैं 100 रुपये का लूँगा, तो आप जो 100 रुपये का ऑफ़र देते हो ना वो लिमिट होता है कि यार लिमिट में आप लगा देते हो यार मैं इसका ना, और यहाँ प्राइस सेट कर लेते हो कि नहीं यार मैं 111 नहीं 100 रुपये में इसको परचेज करूँगा, ठीक है। और
और वही चीज़ आप मार्केट जब कर लेते हो ना, तो मार्केट में फिर ये सीन नहीं होता। मार्केट में एक होता है कि आपने जो सामने वाला बोल रहा है कि यार मैं इतने में दूंगा, तो आपने उसी में उतने में ही आपने एग्री हो और आप उतने में ही लोगे, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया, मैं असल में आपको चाह रहा हूँ कि एक बारीक बारीक चीज़ आपको समझ आ जाए, ताकि आपको बार बार इस चीज़ से घबराहट ना हो। तो लिमिट आपने सिंपली क्लिक कर लेना, यहाँ आपने मसाले को मैं 100 रुपये हम बोले 100 रुपये हम उसको चाहिए, ठीक है। और यहाँ एक आपको पिन क्रिएट करना होगा, वो जब आप खोलेगा यहाँ पिन आपने वो डालना है और इसको सबमिट कर बाय नाउ कर देना। बाय नाउ आप जैसे करोगे वैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और सामने वाला एग्री होगा तो वो आपसे मतलब आपको सेल कर देगा। और सामने वाला एग्री नहीं होता तो सूरत में आपको फिर ये अभी तो मार्केट खोली भी नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता रात के वक्त होता है, लेकिन फिर आपने थोड़ी इसको जैसे वो एग्री नहीं हो रहा है तो फिर आपने देखना है 5-10 में एग्री नहीं हुआ तो आपने इसको मसाले को हमें इसको आपने तो अपनी रेट थोड़ी बढ़ा देनी है कि यार ये एग्री नहीं हो रहा। बोल था ये मैं तुम्हें ना 100 हम ऐसी दुकानदारी में क्या करते हैं, हम यही कम भाव करते ना या कम ज़्यादा करते, तो हम बोल रहे ना यार चलो तुम 100 नहीं 105 ले लेना बस, तो ऐसे करिए कि फिर इसको 105 को एडिट करके इसको बाय नाउ में कर देना। ऐसे करके आपने स्टॉक को परचेस किया जाता है। परचेस करने के बाद आपके पास यहाँ ओपन पोर्टफोलियो में आप जाओगे, यहाँ आपके तमाम स्टॉक शो होने लग जाते हैं कि यार इसके इतने स्टॉक या इतने चीज़ें सेल किए थे। मेरा पोर्टफोलियो में मैं बैंक ऑफ पंजाब खरीदा है जिसको मैंने 458 रुपये लॉस में चल रहा हूँ। इसके अलावा ये मैंने जो ख़रीदा था ये अभी लॉस में नहीं चल रहा हूँ, मैं 5000 रुपये का लिया था। इसकी टोटल अमाउंट अभी इक्विटी चल रही है, मैं ये समझा देता हूँ। डी सी एल में भी 15 रुपये मैंने नुकसान किया था किया हुआ है। मैं ऐसा कोई स्टॉक दिखा था, ओए हो SCSC इसमें तो मैंने तकरीबन टोटल एवरी शेयर में मैंने लिया था 7300। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखते कैसे हैं टोटल उल्टे हाथ की तरफ आपको जो लिखा हुआ इतने का हमने ख़रीदा था और अमाउंट जो उल्टे हाथ में जो लिखा और सीधे हाथ में जो अमाउंट का रखा है ये अभी इसकी अमाउंट जो है वो इतनी है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो मेरा 3000 रुपये तक लॉस हो गया है इसमें। सो बहरहाल ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ अप एंड डाउन चलता रहता है। सो बहुत सारी जगह मेरा लॉस ही चल रहा है, लॉस। चलो जी कुछ तो मिला मुनाफे का। सो ये है कि मेरा 1000 रुपये 1030 रुपये मेरा फ़ायदा हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा मुझको एक गुड साइन दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब थोड़ा कोहिनूर ये भी एक कंपनी, इसको में भी मेरा 272 फ़ायदा हुआ है, लेकिन फिर 400 लॉस, सो 400 फिर लॉस फिर 330 मुनाफा, तो फिर 900 मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मेरा 10-20 हज़ार तो ऐसे ही मेरा डूबा पड़ा है। बट जो भी जो मेरा कभी कवर हो जाए तो अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा बन जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। सो बहरहाल हमने हॉल किया हुआ है और करते हैं कि हमें तो लाइफ टाइम के लिए मैंने वैसे भी खरीदा हुआ है, तो बहरहाल तो ऐसे मतलब सिलसिला चलता रहेगा। सो आज के लिए वीडियो इतनी ही, बाकी अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ फंक्शन होते हैं। आपको भी मैंने बाय करना सिखा दिया, आपने बाय नाउ कर देना और सिंपली आपको बाय हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और चीज़ हो, कुछ भी हो क्वेश्चन या आंसर, वो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हो और मैं आपको गाइड कर दूँगा या उस हवाले से वीडियो ले आऊँगा। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।